नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 30, 20 - 5x लेस देन 5 × x + 8, ये इन इक्वेशन दिया हुआ है। 20 - 5x लेस देन 5 × x + 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 20 - 5x less than 5x + 40 -5x - 5x less than 40 - 20 -10x less than 20 10x > -20 तो पार्ट वन तो यहां पे बोला है कि x का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लें। x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है वो निकाल लें जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब हम लोग का जो इनिक्वेशन सॉल्व करके आया है वो है x > -2, दैट मींस x का वैल्यू -2 से बड़ा है, मतलब -1, 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब -2 से बड़ा इंटीजर क्या है? -2 से बड़ा इंटीजर -2 के जस्ट बाद में जो आता है -2 से बड़ा x कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे बोला है कि -2 से बड़ा इंटीजर x क्या हो सकता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है। अब अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है और x -2 से बड़ा है तो x का वैल्यू -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट इन वैल्यूज में से सबसे छोटा कौन है? -1। इसलिए इस केस में x का वैल्यू होगा -1। पार्ट टू, x बिलोंग्स टू होल नंबर। x -2 से बड़ा है और x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब x स्टार्ट होगा 0 से, तो x का सबसे छोटा वैल्यू तब क्या हो सकता है? 0। पार्ट थ्री, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो क्योंकि x -2 से बड़ा है एंड वैसे भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर x का वैल्यू हो सकता है, उसमें से सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा 1। तो इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1 व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट, इसके बाद एक थ्री पार्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 31 है। 4x - 19 less than 3x by 5 - 2 less than equal to -2 by 5 + x। x belongs to real number, तो 4x - 19 less than 3x by 5 - 2 and 3x by 5 - 2 less than equal to -2 by 5 + x। वैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ से मिलता है x < 5।
सो हम लोग को मिला 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 8, x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 4. नाउ x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 4 दैट मींस माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू x. तो माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू x एंड x लेस दैन 5 को मिला करके हमारा सॉल्यूशन होगा माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 5. ये होगा सॉल्यूशन. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है एंड यहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर. माइनस फोर लेस दैन इक्वल टू है तो माइनस फोर खुद भी इंक्लूडेड रहेगा एंड फाइव के पहले तक जितना भी रियल नंबर्स है वो सबको हमको मार्क करना है. माइनस फोर पे एक बोल्ड सर्कल देंगे. फाइव के पहले तक का सारा रियल नंबर इंक्लूड होगा, फाइव सिर्फ खुद इंक्लूड नहीं होगा, तो फाइव पे एक ब्लैंक सर्कल. इसके बाद एक प्रॉब्लम सम, लास्ट में दो प्रॉब्लम सम दिया हुआ है उसमें से एक हम सॉल्व करके दिखाते हैं. लीनियर इनिक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम सम. तो क्वेश्चन में लिखा है 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बेरिड इन मड. लास्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 35. 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बेरिड इन मड, 1/6 ऑफ इट इज इन वॉटर and the part above the water is greater than or equal to 3 meters. तो obviously mud और उसके ऊपर फिर water और ये bamboo pole है. अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1/3 of the bamboo pole is buried in mud. अगर पूरा bamboo pole का height हम ले लें x और ये statement तुमको लिख देना होगा let the total height of the bamboo pole be x meters. तो 1/3 ऑफ द बैम्बू पोल इज बेरिड इन मड, मतलब 1/3 ऑफ एक्स मतलब 1/3 इंटू एक्स, मतलब एक्स बाई थ्री ये जो पार्ट है. उसके बाद बोला है 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर. 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर मतलब वाटर वाला जो पार्ट है दैट इज 1/6 इंटू एक्स दैट इज एक्स बाई सिक्स. पार्ट अबव द वॉटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3. ये जो पार्ट है दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3. अब ये पार्ट कितना है, अगर ये पार्ट x बाई 3 और ये पार्ट x बाई 6 है तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, टोटल में से इन दोनों को माइनस करने से ये मिल जाएगा. तो टोटल माइनस दिस प्लस दिस, तो x माइनस x बाई 6 प्लस x बाई 3 टोटल दैट इज x माइनस x बाई 6 प्लस x बाई 3 दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3. ये पार्ट का लेंथ है x दैट इज टोटल लेंथ माइनस दीज टू, मतलब x माइनस x बाई 6 प्लस x बाई 3 ब्रैकेट में. तो ये यहाँ पे बोला था कि ये जो लेंथ है पार्ट अबव द वाटर दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, मतलब दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे a 6 को लेंगे एलसीएम, x माइनस x बाई 2 मतलब x बाई 2, x बाई 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6. तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो 6 हो सकता है या 6 से बड़ा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, मतलब कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो पोल है उसका शॉर्टेस्ट लेंथ सबसे कम लेंथ क्या हो सकता है दैट इज 6, बिकॉज x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 का मतलब है कि या तो x 6 हो सकता है या 6 से बड़ा. तो सबसे छोटा वैल्यू फिर x का क्या है पॉसिबल, 6. तो इसलिए आंसर होगा 6 मीटर.